अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बख्तावर भुट्टू ने मेहंदी के प्रोग्राम में मरियम नवाज़ को डांस करने का कहा तो मरियम नवाज़ ने टाल मटोल का सहारा लिया, लेकिन फिर बिलावल भुट्टू ने भी फरमाइश कर दी। तो क्या हुआ आज की इस वीडियो में, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि हाल ही में आसिफ अली जरदारी ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की, जिसे ज़ाहरी तौर पर बहुत ही सादा दिखाया गया, लेकिन अंदरूनी तौर पर इस शादी की हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स रही। शादी पर बेइंतहा पैसा लगाया गया। दोस्तों, असल में ये लोग सिंध के ठेकेदार हैं। बेचारे सिंध के लोग हर बार इन्हें वोट देते हैं और अपना वोट ज़ाया कर देते हैं। सिंध के लोग भूख से मर रहे हैं। ये रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाले अपने सूबा सिंध के लोगों के पास ना रोटी है, ना कपड़ा और ना रहने के लिए कोई छत, और ये उनके ठेकेदार अपनी शादियों पर करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। हालांकि ये पैसा थर के गरीब और लाचार लोगों पर खर्च करना चाहिए था। दोस्तों, बख्तावर भुट्टू की शादी पर मरियम नवाज की एंट्री बहुत ही जबरदस्त थी। मेहंदी की इस तकरीब में मरियम नवाज को येलो कलर का जोड़ा पहने हुए देखा जा सकता है। उस दिन की तकरीब की डेकोरेशन बहुत ही कमाल की थी, जिसकी मरियम नवाज ने भी तारीफ की। दोस्तों, करीबी ज़राए के मुताबिक कहा जाता है कि मरियम नवाज ने एक डायमंड का सेट बख्तावर भुट्टू को गिफ्ट दिया है, जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए तक है। दोस्तों, बख्तावर साहबा ने मेहंदी के प्रोग्राम में मरियम नवाज को डांस करने का कहा तो मरियम नवाज ने टाल मटोल का सहारा लिया, लेकिन फिर बिलावल भुट्टू ने भी फरमाइश कर दी तो मरियम नवाज ने दो हाथ दिखा दिए और बख्तावर भुट्टू का दिल खुश कर दिया।